नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में अभी तक कुल 192 संक्रमित मिले हैं और इसमें से 439 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड में लगभग 3 माह बाद एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक संक्रमित मिले हैं। सोमवार को 11 जिलों में 71 लोग कोरोना संक्रमित मिले और इसमें देहरादून जिले में सर्वाधिक 44 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 147 पहुंच गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना के 71 नए मरीज मिले हैं। देहरादून में 44, नैनीताल में 9, अल्मोड़ा में 4, चमोली में 3, पौड़ी में 3, टिहरी में 3, चंपावत, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग जिले में एक एक संक्रमित मिला है। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। 1 जनवरी 2023 से अब तक प्रदेश में कुल 592 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 439 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वर्तमान में 147 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है।